बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिपीटेड कंटेंट, रीयूज कंटेंट के बारे में कि क्या कौन कौन से ऐसे कंटेंट हैं, ये रिपीटेड कंटेंट या रीयूज कंटेंट किसको कहते हैं। बेसिकली रिपीटेड कंटेंट और रीयूज कंटेंट एक ही बात है दोस्तों। ये कौन से हैं, किस तरह से आते हैं, आज हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। चैनल में जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि उनको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जी दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, रिपीटेड कंटेंट और रीयूज कंटेंट एक ही चीज़ है, ये क्या चीज़ है? फर्स्ट ऑफ ऑल के आपने एक वीडियो अपलोड की है, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है, आपने सोचा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, मैं इस पर एक नई वीडियो बना देता हूँ। फ्रेंड्स, अगर तो आपने उसका टाइटल टैग थंबनेल डिस्क्रिप्शन वही रहने दी है, आपने वीडियो और अपलोड कर दी है, उस पर रीयूज कंटेंट नहीं आएगा क्योंकि आपने अंदर मवाद जो है वो न्यू है, आपने उसकी अपडेट दी है, थोड़ी सी आपने उसमें चेंजिंग करके आपने उसमें अपडेट दी है। जैसे कि आप, मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ, आप वीडियो बनाते हैं यूट्यूब 2020 अपडेट, फिर थोड़े अरसे बाद फिर आप यही वीडियो बनाते हैं सेम टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन के साथ, लेकिन अंदर जो मवाद है वो चेंज होता है, अंदर जो उसके वीडियोस हैं, जो अंदर जो आप बता रहे हैं वो अपडेट बता रहे हैं, उस पर रीयूज का कंटेंट नहीं होता। रीयूज का कहाँ कंटेंट आता है, रीयूज का कहाँ प्रॉब्लम आता है? आपने एक वीडियो आपकी, आपने देखा कि ये वीडियो मेरी जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और ये अच्छा वॉच टाइम ला रही है, अच्छे व्यूज़ ला रही है, तो आपने क्या किया, आपने वीडियो को टाइटल टैग चेंज करके और उसमें जो वॉइस चेंज कर दी है, तो उस पर आपका रीयूज़ का ऑप्शन आ सकता है, रीयूज़ का प्रॉब्लम उस पर आ सकता है। और अगर आप कोई गेमिंग चैनल कर रहे हैं, गेमिंग के ऊपर आप वीडियो बना रहे हैं, आप गेमिंग के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, आप चुप करके बैठे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे, आपने सेम म्यूज़िक लगाया हुआ है और आप बस गेम खेलते जा रहे हैं, और उस पर भी आ सकता है रीयूज का कंटेंट क्योंकि आपने पहले भी ऐसी वीडियो बनाई होगी। आपको चाहिए कि जो भी आप गेमिंग के ऊपर वीडियो बना रहे हैं उसमें या तो बोलें या फिर उसका जो म्यूज़िक है वो चेंज करें, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो आपको पहले वाली वीडियो से डिफरेंट हो। दूसरी बात दोस्तों, रीयूज कंटेंट, रीयूज का कंटेंट किस चीज़ पे आता है? आप किसी की वीडियो यूज़ करते हो अपने चैनल पे अपडेट करने के लिए, रिएक्शन वीडियो जिसे बोलते हैं, आपने एक साइड पे वीडियो चला रहे हैं और दूसरी साइड पे आप चुप करके बैठे हैं, तो आपका इस पे भी रीयूज का प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि आपने रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि आपकी जो वीडियो बना रहे हैं आप रिएक्शन के ऊपर बना रहे हैं और आप उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे और आप चुप करके बैठे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको चाहिए कि आप जब वीडियो बना रहे हो तो उसमें कोई कंट्रीब्यूशन करो, या अगर आपकी वो रिएक्शन वीडियो है तो कोई ऐसा रिएक्शन तो दो जिसको लगे कि ये रिएक्शन के साथ वीडियो अपलोड की गई है, तो इस पर भी आपका रीयूज का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये जो रीयूज के प्रॉब्लम है, चाहे आपका चैनल मोनेटाइज्ड है, चाहे अभी इंटरव्यू है, या अभी आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए नहीं गया, तो ये प्रॉब्लम आ सकते हैं जब मोनेटाइजेशन के लिए आपका चैनल किया जाएगा या उससे पहले या इंटरव्यू में, ये तमाम प्रॉब्लम आ जाएंगे। आपको चाहिए कि आप अपने चैनल को चेक करें और अगर ऐसा कोई मवाद है तो आप उसको रिमूव करें। अब बढ़ते हैं दोस्तों कि जब हमारा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जाता है तो यूट्यूब हमारी कौन कौन सी वीडियो को देखता है कि इस पर मोनेटाइजेशन के लिए मॉनिटर करता है। फ्रेंड्स, पहली बात ये कि आपकी वो वीडियो देखते हैं कि जिस पे आपका सबसे ज़्यादा वॉच टाइम होता है, कि जो वीडियो आपको सबसे ज़्यादा वॉच टाइम दे रही होती है उसको देखते हैं कि हाँ भी इसने, इसकी वीडियो ये ज़्यादा मोनेटाइज यानी कि ज़्यादा वॉच टाइम दे रही है, तो उसके हिसाब से आपका जो चैनल सेट किया जाता है। और दूसरा, जो आपकी लास्ट वीडियो अपलोड हुई होती है उसको देखता है। इन दो वीडियो को मॉनिटर करके तो फिर आपके चैनल को मोनेटाइजेशन आपका होता है, आपका जो चैनल नेम सेट होता है, चैनल यानी कि आपका सेट किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज
हमने रीयूज कंटेंट और पीटर कंटेंट के बारे में मतलब बात की है, और दूसरा कि हमें चैनल जब हमारा मोनेटाइजेशन के लिए जाता है तो हमारे चैनल की जो वीडियो हमने अपलोड की होती हैं तो यूट्यूब उनमें से कौन सी वीडियो को मॉनिटर करता है मोनेटाइजेशन के लिए, तो वो भी आज की बात हुई। तो आपने बहुत ध्यान के साथ, अगर आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके चैनल में कोई ऐसा मवाद पड़ा है तो उसको रिमूव कर दें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मैं फिर से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।